बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हमारा लास्ट दो ग्रुप गुजरे हैं, 11 और 12। इनके भी पेपर व्यू कर लेते हैं, तो प्रैक्टिकल पेपर इसके बाद मजीद जो हैं वो अब फोर्थ ईयर ग्रुप के आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये थर्ड ईयर के तो आज लास्ट ग्रुप हमारे पास 11, 12 चल रहे थे। इसमें देखें हमारे पास ये आया था एक्सेल का क्वेश्चन, ठीक है, और ये रिक्वायरमेंट थी इसकी। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर, वैसे एक्सेल के ऊपर भी वो टॉप पे दिया होता है असेंडिंग डिसेंडिंग के ऑर्डर के लिए। ये फाइल को सेव करने के लिए था, थोड़ा सा जूम कम आउट करता हूँ। तो ये यहाँ पे प्रोग्राम था एक, राइट ए प्रोग्राम कैलकुलेट द टोटल ऑफ एन इनवॉइस, द प्रोग्राम शुड रैपिडली आस्क द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट एंड द अमाउंट सोल्ड अंटिल द यूजर एंटर -1। जाहिर बात है ये एंडिंग कंडीशन लूप की, लूप को टर्मिनेट करने के लिए कंडीशन लगाई जाती है। दोबारा से इस क्वेश्चन को भी एक दफ़ा व्यू कर लें। नॉर्मली होता यही है कि ज़रा क्वेश्चन पेपर पे जाके ना, जब आंसर की सॉरी की के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से नहीं मिल रहा होता, इसलिए इसको स्टे करवा रहा हूँ ताकि अच्छे से नोट हो जाए। इसको भी देख लें, आफ्टर 5-6 सेकंड मैं ऐसा करता हूँ कि फिर आंसर की तरफ आ जाता हूँ। ठीक हो गया जी, अब ऐसा करते हैं इसकी की चेक कर लेते हैं। ज़ूम कर लो, एक्सेल के हमेशा की तरह वो फार्मूले दे रहा है सेल नंबर। बाज दफा तो रूटीन में वो सेल नंबर दे देता है, लेकिन इसमें उसने सेल नंबर वगैरह नहीं दिए और ऐसा किया कि कॉलम्स के नाम दे के ना, तो वो मल्टीप्लाई प्लस ये दो तीनों चीज़ें करते हैं। कोई डिफिकल्ट मेरा ख्याल है कि इतना इस लेवल पे इतनी एक्सप्लेनेशन की हर ज़रूरत नहीं थी इसकी, क्योंकि की बिल्ड हो गई तो ये काम ख़त्म हो गया। ठीक है जी, ये था उसका एक्सेल का क्वेश्चन। अब चलते हैं उसकी तरफ जो विजुअल बेसिक का प्रोग्राम है, थोड़ा सा जूम आउट कर दो। अब यहाँ देखें, ये क्वेश्चन लिखा गया, वेरिएबल डिक्लेरेशन का प्रोसेस आ गया सारा। ज़ीरो उस वक्त असाइन करते हैं कि वेरिएबल को फ्री करने के लिए, तो डू वाइल लूप उसने यूज़ किया, कोई सा भी वाइल वगैरह भी किया जा सकता था। डू वाइल उसने -1 कंडीशन, वही मैंने बताया था कि इसलिए लगाई गई है -1 के एंडिंग कंडीशन है जब आप मजीद कैलकुलेशन ना करना चाहें। प्राइस क्वांटिटी टोटल अमाउंट, आप देखें उसके बिल्कुल क्वांटिटी और प्राइस इन दोनों की इनपुट आएगी, फिर टोटल में जाके दोनों प्राइस और क्वांटिटी मल्टीप्लाई होंगे, प्लस टोटल आ गया और टोटल में जमा कर दिया गया। फिर उसके बाद वो कहता है नंबर इनपुट इनके मजीद अगर आप कंटिन्यू करते हैं, और अगर -1 देते हैं तो फिर जारी बात है वो ऐसा करेगा, रुक जाएगा, और अगर कंटिन्यूटी रहती है कोई भी नंबर देते हैं वो दोबारा से इसी चीज़ को एग्जीक्यूट करेगा, हर दफ़ा आपसे इनपुट लेता रहेगा, और जैसे ही एंड होगा लूप का कीवर्ड आ जाता है कि डू वाइल लूप जो है लूप के कीवर्ड से एंड हो जाता है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है कि आपका -1 वाला एरिया करके, तो उसको रोकते हैं लूप को, तो फिर वो आके जो भी टोटल में आएगा मैसेज बक्स के थ्रू, प्रिंट टोटल भी कर सकते थे,
मैसेज बॉक्स में ये है कि आपके पास डिस्प्ले में वो छोटी सी बैनर आ जाता है जिस पे सारा कुछ लिखा होगा, इनके प्रिंटिंग आ जाएगा, टोटल बिल और जो अमाउंट होगी वो भी। अब जी चलते हैं अगले 12 नंबर पे। यहाँ पे देखें, इसका भी एक्सेल का क्वेश्चन टेलीफोन बिल था। यहाँ पे मल्टीप्लाई का काम आ जाता है। मैं अभी फार्मूला इधर डिक्लेयर नहीं कर रहा ताकि आपको की में क्लियर कर दूँगा। ये दोनों मल्टीप्लाई, उसके बाद यहाँ पे इसको सम कर देना था, फिर जो अमाउंट आती उस पर 16% GST निकाल देते हैं। इसमें आप देखेंगे की में और तरीके से वो शॉर्ट फार्मूला आ जाता है, और अगर लॉन्ग फार्मूले में चलते हैं तो जो भी सेल नंबर हो मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे फिर भी निकल आएगा। फिर इन दोनों को जमा करेंगे तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा। यही एक्सेल का, और कोई मेरा नहीं ख्याल कि उसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें दी हैं। ये रिक्वायरमेंट लिखी हुई नीचे से वो सेव, फिर उसका प्रोसीजर आ जाता है। यहाँ पर प्रोग्राम है, प्रोग्राम इंतहा आसान सा था। इसमें यह था कि आपने एक फर्स्ट वैल्यू देनी है और एक लास्ट वैल्यू, या हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू देनी है लूप की, और वो वहाँ तक सीरीज जनरेट कर देगा। मीन के सिंगल इंक्रीमेंट के साथ है, क्योंकि 5, 6, 7, 8, 9, 10 उसने पहला 5 से कहा स्टार्ट हो और 10 से एंड का, कोई सा भी लूप लगाया जा सकता था। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। करता हूँ आप देखें, ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। उसके बाद ये सम वाला मामला आ गया। ये मैंने कहा था जिसका दूसरा तरीका कार, मैंने कहा था कि अमाउंट को 16 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आ जाएगा ये पॉइंट। 16 के साथ डायरेक्टली अमाउंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर वही आंसर आएगा। लास्ट पे सेव का प्रोसीजर है। ये सेव का प्रोसीजर वर्ड हो एक्सेल हो एक जैसे ही है। फाइल में गए, सेव को क्लिक किया, आगे नाम दिया, उसके बाद यहाँ कंट्रोल एस किया, आगे नाम दिया फाइल का, ओके किया तो फिर वो बिल्ड हो गया। मेरा कोई 10 सेकंड तक मैं वेट करता हूँ इसके, अगर फार्मूले चेक करना चाहें, वरना ये है कि बीपी का लास्ट वन क्वेश्चन हमारे पास आ गया। अब जी आ जाए, मैंने कहा था कि इसका फर्स्ट और लास्ट उसने दो वेरिएबल रख लेंगे। फर्स्ट को क्या करता है, इनपुट बॉक्स और एंटर स्टार्टिंग नंबर, और लास्ट में लास्ट नंबर। आई को डिक्लेयर इधर करना चाहिए था, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट को डिक्लेयर किया तो फिर इसकी भी डिक्लेरेशन कर लेता। तो आई लूप का वेरिएबल, उसको भी कम करके एज इंटीजर कर लें। आई किसके इक्वल है, फर्स्ट से लेके तो लास्ट तक। इसमें आप ऐसा कर सकते थे, स्टेप वन लिखते ताकि एक का इंक्रीमेंट आ जाए। बाय डिफ़ॉल्ट भी सिंगल ही आ रहा होता है। मैसेज बॉक्स आई, आई का काम क्या है, मैसेज बॉक्स वैसे यहाँ ज़्यादा सूट करता था प्रिंट का, प्रिंट की कमांड के फॉर्म के ऊपर ही प्रिंट करे, सीरीज जनरेट करनी है ना। तो अब मैसेज बॉक्स में नुकसान ये हो जाता है कि वो हर दफ़ा नया मैसेज जनरेट करेगा तो वो बैन आएगा, फिर सारे क्लोज करने बैठ जाए। तो आसान हल था, प्रिंट की कमांड दी जाती और उसके बाद नेक्स्ट कर दिया जाता, एंड सब करते तो उसके बाद खत्म हो जाता। आप जिस तरह से भी करना चाहें मर्जी है, ठीक है। सिंपल सा प्रोग्राम है। आई इक्वल टू फर्स्ट दिया टू लास्ट, इनके फर्स्ट जो भी आप इनपुट देते हैं, जैसे उसने 5 दी थी और लास्ट में उसने 10 दिया था, तो 5 से लेकर 10 तक आगे लिखना चाहिए था कि स्टेप वन लिखते थे, अच्छी बात थी, ठीक है। एनी हो इससे भी काम चल जाता, ठीक है जी। अब थर्ड ईयर पे तो यहाँ तक ग्रुप सारे कंप्लीट हो गए। कल से इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि फोर्थ ईयर के जितने भी ग्रुप हैं वो बवा सोल्यूशन अपलोड कर दिया करूँ। जिनके बाद में ग्रुप्स हैं उनको चाहिए कि चेक करके आए, फ़ायदा हो जाता कि थोड़ा सा एक तो पेपर का पैटर्न क्लियर हो जाता, दूसरा ये है कि पता लग जाता है कि लिखना कैसे चाहिए, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।